हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनित स्केल में। दोस्तों आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं और टॉपिक है SLD क्या होती है। तो SLD के बारे में आज हम प्रॉपर समझेंगे। हमारे बहुत सारे साथी इंटरव्यू में जाते हैं तो उनसे SLD अवश्य पूछी जाती है। तो दोस्तों 33 KV / 415 वोल्ट सब स्टेशन SLD, हमारी जो कंपनी होती है, कोई भी कंपनी हो, उसके लिए जो लाइट आती है, सबसे पहले हमारे चार जो पोल होते हैं जिनको हम जोड़ा कहते हैं, वहां पर लाइट आती है और उस जोड़ा पे ही हमारे क्या होते हैं, एचटी फ्यूज में हमारी सबसे पहले सप्लाई आती है। उसके बाद हमारी सप्लाई जाती है जियो स्विच यानी कि गैंग ऑपरेटेड स्विच या ग्राउंड ऑपरेटेड स्विच भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारी सप्लाई जाती है एचटी मीटर में, एचटी मीटर यानी कि हाई टेंशन मीटर। और एचटी मीटर के अंदर दो मुख्य इक्विपमेंट होते हैं, सीटी और पीटी। हमारे बहुत सारे साथी भाई, आज मैं ये भी क्लियर करूंगा कि भाई पहले सप्लाई पीटी में आती है या सीटी में आती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारी सप्लाई पीटी में आती है, पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये हमारे एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज मेजर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं और ये पीटी का सिंबल भी मैंने दिया हुआ है। उसके बाद हमारी सप्लाई जाती है सीटी, सीटी यानी कि करंट ट्रांसफॉर्मर, और ये हमारे एम्पियर या करंट बोल दें मेजर करने का कार्य करते हैं। उसके बाद हमारी सप्लाई जाती है मेन SF6 ब्रेकर में, मेन SF6 ब्रेकर में जाती है और SF6 की फुल फॉर्म होती है सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। दोस्तों SF6 के बाद हमारी जो सप्लाई जाती है वो डिसाइड करता है भाई साइड पर हमने कितने ट्रांसफॉर्मर लगाए हुए हैं। साइड पर जितने ट्रांसफॉर्मर होंगे उतनी ही आउटगोइंग दी जाती है। तो मैंने आउटगोइंग 1, आउटगोइंग 2, आउटगोइंग 3, आउटगोइंग 4 यानी कि चार ट्रांसफॉर्मर का ऑप्शन इसमें दिखाया है। भाई आपने देखा होगा साइडों पे, अलग अलग साइडों पे कहीं 2, कहीं 4, कहीं 6 ट्रांसफॉर्मर होते हैं। तो हमारे मेन SF6 ब्रेकर से ही आउटगोइंग के लिए सप्लाई जाती है। उसके बाद हमने आउटगोइंग 1 से SLD कंप्लीट करके दिखाया भाई कैसे कैसे किन उपकरणों में जाती है। तो आउटगोइंग 1 मान लो ट्रांसफॉर्मर TRF1 मान लिया हमने, आउटगोइंग जो है TRF1 की है, तो आउटगोइंग से सप्लाई सीधी जाएगी ट्रांसफॉर्मर में और ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारी दो वाइंडिंग होती हैं, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। यहां पर हमने ये भी क्लियर किया भाई प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन किस में होते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन किस में होते हैं। तो दोस्तों प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन हमारे डेल्टा में होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन हमारे स्टार में होते हैं। और दोस्तों हमारे बहुत सारे साथियों से ये भी पूछा जाता है भाई जो हमारी HT सप्लाई होती है उसमें न्यूट्रल तो आता नहीं है, तो हमें न्यूट्रल पॉइंट कहां से मिलता है। तो दोस्तों स्टार वाइंडिंग से ही हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलता है, क्योंकि दोस्तों स्टार में हमारे RYB ये जो तीनों फेस हैं, जहां पर ये तीनों मिलते हैं वो ये पॉइंट है और यहीं से हमें न्यूट्रल पॉइंट प्राप्त होता है। तो ये पूरा पार्ट हमारा ट्रांसफॉर्मर के अंदर ही दोनों वाइंडिंग होती है। इसके बाद जो हमारी सप्लाई है वो जाती है आइसोलेटर में। आइसोलेटर के बारे में भी हमारे साथियों से पूछा जाता भाई आइसोलेटर LT ब्रेकर है या HT ब्रेकर है। तो दोस्तों ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, प्राइमरी वाइंडिंग तक हमारी HT सप्लाई आएगी और सेकेंडरी से हमारी स्टेप डाउन होके 440 सप्लाई हो जाती है।
तो आइसोलेटर हमारा सेकेंडरी के बाद में लगा हुआ, इसलिए ये एलटी ब्रेकर है। हमारे बहुत सारे साथियों से पूछा जाता है भाई आइसोलेटर ना लगाएं तो क्या होगा, आइसोलेटर के क्या लाभ हैं, आइसोलेटर को लोड की कंडीशन में ऑन या ऑफ कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों आइसोलेटर के लाभ के बारे में बात करें तो दोस्तों ये हमारे ट्रांसफॉर्मर को प्रोटेक्ट करता है। कैसे दोस्तों, जब कभी एलटी साइड में हमारा कोई मेजर फॉल्ट होगा, कोई बड़ा शॉर्ट सर्किट होगा, तो उसका प्रभाव हमारे ट्रांसफॉर्मर पर ना पड़े, इसलिए हमें आइसोलेटर लगाना आवश्यक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों आइसोलेटर को लोड की कंडीशन में ऑन या ऑफ कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों लोड की कंडीशन में ऑन या ऑफ नहीं कर सकते हैं। हम एलटी पैनल से अपना लोड काट दें, उसके बाद खाली वोल्टेज रह जाएंगे, तब हम आइसोलेटर को ऑन या ऑफ करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइसोलेटर के बाद हमारी सप्लाई जाती है टीआरएफ इनकमर एलटी पैनल। ट्रांसफॉर्मर इनकमर एलटी पैनल के अंदर हमारी सप्लाई जाती है, उसके बाद हमारी सप्लाई जाती है बस कपलर, और बस कपलर को शॉर्ट में हम बीसीबी कह सकते हैं, बस कपलर। उसके बाद हमारी सप्लाई जाती है एमसीसीबी, एमसीसीबी यानी कि मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, और एमसीसीबी के बाद हमारी सप्लाई जाती है डीबी, डीबी यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और डीबी में हमारे टीपीएन लगी होती है टीपीएन, और टीपीएन पे हमारी भाई टीपीएन के नाम से ही पता चलता है थ्री पोल न्यूट्रल, तीन फेज सप्लाई जाती है आर वाई बी और न्यूट्रल। और इंटरव्यूअर का जो सवाल था वो था भाई हमारी 33 केवी की सप्लाई आई हुई है, बल्ब कहां पर जलेगा। तो दोस्तों ये हमने होल्डर का सिंबल दिया और ये बल्ब दिखाया है, और डीबी से हम आर वाई बी में से कोई सा एक फेज उठाएंगे और एक न्यूट्रल उठाएंगे और हमारा बल्ब जल जाएगा। और इंटरव्यूअर का भी यही सवाल होता है कि भाई हमारी 33 केवी की सप्लाई आई है, बल्ब कहां पर जलेगा। तो दोस्तों आप भी वीडियो देखकर आसानी से इंटरव्यूअर को प्रॉपर सेटिस्फाई कर सकते हैं कि भाई 33 केवी की एसएलडी कैसे बनाएं, या 11 केवी की एसएलडी में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है मित्र। बस यहां पर जो हमने SF6 ब्रेकर लगाया, SF6 की जगह पे हम BCB लगाएंगे यदि 11 केवी की सप्लाई है। तो 33 केवी और 11 केवी की एसएलडी बिल्कुल सेम है, बस यहां पर ब्रेकर चेंज करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें, केशव शेयर करें, और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे जनित स्किल के साथ में। अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है, जो भी साथी हमारा ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द आए। जैसा कि हमारे साथियों को पता होगा हम एमईपी कोर्स कराते हैं, और एमईपी की फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो दोस्तों एमईपी की फुल फॉर्म होती है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लंबिंग, और एमईपी के अंदर ही हमारे जो कंपनी में सारे इक्विपमेंट होते हैं वो कवर्ड होते हैं। और दोस्तों मार्केट में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट दिखाकर सिर्फ पैसा ऐंठने का कार्य कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि आप किसी भी संस्था को रजिस्ट्रेशन के नाम पर कोई शुल्क ना दें, आप संस्था पे आए प्रॉपर एक दिन डेमो क्लास लें, उसी के बाद क्लास ज्वाइन करें। और हमारे बहुत सारे साथी सोच रहे होंगे भाई ये कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कोर्स का प्राइस क्या है। तो दोस्तों मात्र 5000 के पैकेज में हम एमईपी कोर्स कराते हैं, और ये मात्र 1 मंथ का कोर्स है।
जो भी हमारे साथी आईटीआई डिप्लोमा बीटेक करने के बाद अभी तक घर पे हैं, उनके पास जॉब नहीं है, अपना कोई रेफरेंस ना होने की वजह से या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की वजह से, तो दोस्तों हमारे साथियों ने आईटीआई डिप्लोमा बीटेक किसी भी ईयर में पास आउट किया है तो वो डीमोटिवेट ना हो, उनके बीच की जो भी गैपिंग है उसको हम अपने थ्योरिकली सेंटर पर प्रैक्टिकली साइड पर ले जाकर प्रॉपर स्किल देकर एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं और 100% जॉब प्लेसमेंट कराते हैं। बहुत सारे साथी हमारे आईटीआई डिप्लोमा बीटेक के बाद अप्रेंटिस करते हैं, तो अप्रेंटिस में दोस्तों हमने जिस फील्ड से पढ़ाई की है, जो टेक्निकल डिग्री ली है, अप्रेंटिस में हमें वो चीजें नहीं सिखाई जाती। जब हम एक वर्ष की अप्रेंटिस करके मार्केट में जॉब के लिए जाते हैं, हमारे पास अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट भी होता है, उसके बाद भी हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा अप्रेंटिस का मतलब है टोटली टाइम वेस्ट करना, क्योंकि दोस्तों अप्रेंटिस में इस तरह की टेक्निकल चीजें नहीं सिखाई जाती हैं। तो जो भी साथी कोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, जल्द से जल्द कोर्स ज्वाइन करें। और हम जनित स्केल्ड की फैसिलिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों हॉस्टल फैसिलिटी बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, जॉब प्लेसमेंट फ्री में अवेलेबल है और वाईफाई फैसिलिटी की सुविधा बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है और सेंटर पर आरओ फैसिलिटी, आरओ वाटर की सुविधा भी है और साथ में बिस्तर और बेड भी हमारी तरफ से निशुल्क दिए जाएंगे। हमारे साथी को अपने साथ कोई कपड़ा लत्ता लाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने जो साथियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। जनित स्केल के साथ में मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।